वहीं कोटा जिले के लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा नेता प्रभात कश्यप रविवार को गोमानपुरा में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत विजय ने प्रभात कश्यप और उनके समर्थकों को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर प्रभात कश्यप ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था, आज उससे उनको आजादी मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी नीतियों से देश आगे बढ़ा है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी नीतियों की देखकर हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी से ऐसा ग्रहण करेंगे। आज आप सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, हम सब पिछले एक साल से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता कोई देख रेख नहीं है। अब जब हमने ये देखा कि राम मंदिर जैसे धारा 370 ये जो सीएए लागू है, तो हम सभी ने दिशा बनाया है कि हम सब देश के विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे और घर घर जाकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कोटा शहर प्रचार करेंगे और आज भारतीय जनता पार्टी से ग्रहण करेंगे। कांग्रेस ने भारत की संरचना संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ये उसी कड़ी में चल रहा है और लगातार मैं देश के मुद्दे से क्या बात करूँ, किंतु कोटा शहर को कांग्रेस ने खोलने की कोशिश आ गया है और कांग्रेस को कोई नाम लेकर लोग बचेंगे ऐसा मुझे लग रहा है और उसका हश्र आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव में जिस तरह से पूर्व में जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता या जो बड़े कार्यकर्ता थे उन सबने भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के नीतियों को देखते हुए शासन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का धारा भ्रमा है और आज सामाजिक शक्ति के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका हृदय स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबके आदमी से भारतीय जनता पार्टी जो अब की बार 400 का इशारा था और प्रदेश के 25 के बच्चे 5 लाख से अधिक पहुंचे उनके लिए हानि छोड़ी उसमें और इजाफा होगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश में इतिहास रचेगी और विश्व में भारत को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण।